जो भी परिणाम आया है एनडीए के लोगों ने और खासकर बीजेपी के लोगों ने लोगों को गुमराह किया, षड्यंत्र किया, और जनता भोली भाली जनता है, महान जनता है, उसका निर्णय हम लोगों के सर आंखों पे, हमने पहले भी कहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि उनके षड्यंत्र में हमारे मीडिया के बंधु भी आ गए और उन मिला जुला कर मीडिया ने भी इस तरह से चीज़ों को परोसा। जनता का जो असली मुद्दा है, शिक्षा की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, पलायन हो रहा है बिहार से, लोग तबाह हैं, किसान परेशान हैं, ये सारे मुद्दे गौण हो गए और सिर्फ उन लोगों ने जो मुद्दा बनाना चाहे, एजेंडा बनाना चाहा, उसी को एजेंडा मीडिया के लोगों ने भी मान लिया, इसलिए ऐसी स्थिति हुई है। आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप साढ़े चार साल सत्ता में थे तब याद नहीं आया था आपको उपेंद्र जी? महागठबंधन का माया मिली ना राम, क्या करेंगे आगे? मीडिया पर फूट रहा है? नहीं भैया, मीडिया पर हम ठीकरा नहीं फोड़ रहे, लेकिन जो सच है हम जरूर हम बोलेंगे। जब एनडीए के लोगों ने साजिश की और उस साजिश में जनता तो भोली भाली है, उनको साजिश में लोगों ने ले लिया, लेकिन आप बताइए मीडिया में कहीं चर्चा हुई कि शिक्षा की स्थिति क्या है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर कहीं चर्चा हुई? आप लोग की भी जवाबदेही थी, मीडिया की जवाबदेही थी कि इन सवालों पर चर्चा हुई? हमें ये तो हुआ, उपेंद्र जी राम को छोड़ के माया की तलाश में आप आए, इस तरफ आगे क्या करेंगे ये समझाइए ना। तय किया है, सवाल नहीं, माया मिली नहीं नाम मिली, आपके विधायक और एमएलसी भी आपका पार्टी छोड़ दिए, आप उनको उनको कौन भ्रम में डाल मानेंगे? अरे भैया, जिनकी बात का जवाब देने दीजिए, जिनकी बात का जवाब देने दीजिए, वही सवाल है उनका भी। वो आप ही का सवाल इन्हीं का, आप जरा बताइए, आप ही लोग बताइए, सब लोग हैं, जिस विधायक के पार्टी छोड़ने की बात हो रही है, क्या उस विधायक ने कल परसों पार्टी छोड़ी है? आप लोग खुद जज कीजिए, उसने 3 महीना 4 महीना पहले पार्टी छोड़ दी औपचारिक रूप से, उन्होंने कल परसों विधानसभा में कहा, वो अलग बात है, तो पार्टी छोड़ दी पहले, झटका या न झटका वो 4 महीना पहले, और फिर आप लोग दिखा रहे हो उपेंद्र कुशवाहा को झटका, एक ही बात को लेकर कितनी बार झटका दिखाई दे आपका? आप तो देखिए, आपका नेतृत्व कमजोर था तभी तो वो दूसरे पार्टी में गए। यदि आज का सवाल है क्या, नेतृत्व कमजोर था, ये आज का सवाल है क्या? नेतृत्व कमजोर की बात नहीं है, लोग अपने हिसाब से लेते हैं, सब लोग स्वतंत्र है, कोई जहाँ मुख्यमंत्री और सरकार है और सरकार की ओर से कहा जा रहा है आपको मंत्री बना देंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा के पास मंत्री बनाने का तो कोई उपकरण आज है नहीं, तो लोग लालच में पड़ेंगे जाएंगे, कारण यह है। तेजस्वी, एक सवाल आपसे, एक सवाल है।